अस्ति माता समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। वाल्मीकि जी के शब्दों में देखा जाए तो नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। क्यों? कभी आप लोगों ने विचार किया कि गंगा के समान कोई तीर्थ क्यों नहीं? बड़ी बड़ी नदियां हैं, सब है, लेकिन गंगा के समान क्यों नहीं? इसलिए कि गंगा का संबंध भगवान के चरणों से, और जिनका संबंध भगवान के चरणों से हो जाएगा उसके समान कौन रहेगा। तो आइए बड़े श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर का नाम ले लिया जाए, क्योंकि इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम ही सर्वोपरि, और यही हर युग में, तो हर युग का अलग अलग महत्व है, लेकिन इस कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम धारा, असुमेरे सो मेरे नर उतर ही पारा। में सिर्फ भगवान का नाम ही अवलंबन बचा है, नहीं कलिकर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो आइए बड़े श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर के चरणों की वंदना करते हुए उसके बाद कथा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, के चरणारविंद माधव के चरणारविंद, के चरणारविंद केशव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, केशव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय।